प्रेजेंट डुगरिया फिल्म्स डेगाना। वैष्णव परिवार की तरफों झुको, गृह प्रवेश भी है, भजन संध्या है, यानी कि भजन गाशी रापा सोना। भजन संध्या के साथ में अगर आप लोग चाहो तो सत्संगत भी हो जावे। भजन तो सुनो यार, जानू है, संगत में कीर की यान की चीज गांठ बांधनी शुरुआत करनी। कई दिन बाद में एक छोको जागरण, एक छोका भजनी और सुनवाला सज्जन और गावाला छोका भजन कई दिन बाद में मिले। आजकल अब परंपरा शुरू होगी या समय की पुकार है भाई राम कुमार मालूनी ओम जी मुंडेल छोका गायक। राम कुमार मालूनी की खास बात आ देगी भाई, जितो अच्छो गायक है बत्ती भी की समझा इस भी छोकी है कि राम जी को नाम लेता रहो, मारो वही मानबो है बिया तो ज्ञान की कोई गन कमी को नहीं। तो मंच पर विराजमान भाई सगड़ा भजनी सरपंच साहब और भी कोई नेता गणे जगह उम्र में बड़ा है बाऊ ज्ञान सीखो जा सके, बाऊ धैर्य सीखे जा सके। जगह बीच की उम्र वाला है बाऊ गर्नकियां चलावे कमार खाबो सीखो जा सके, वो द्योतक है बाकी उम्र को। मारी बहना है बन बड़ी है जकीन है मारी तरफ हूं राम राम। छोटी बेटी समान मारी बच्चा ने बहुत बहुत शुभकामना। जवान बच्चा है युवा है जो ताकत और एकता और निष्ठा और लगन के साथ में समय की धारा को मोड़ सकते हैं, उनमें ऐसी शक्ति है मैंने महसूस किया है। सज्जनों जब सत्संगत और ज्ञान की बात चलती है बुलाते हैं मुझे लोग। आज 15-16 दिनों तबीयत ठीक ठीक ही घरों आज ही निकले हूं। लोसल में हो 9:30 बजे लोसल, बीच में एक स्वामणी आई, अब बैठे हूं। विश्वास कौन करो, रोटी तो अड़तवा में खाई, टिफिन लियो मैं क्यों किसना रोक ले, चार रोटी अठे ही खा लिया मैं, टिफिन पड़ियो एक रोटी बचोड़ी है, पांच ही जीवू चार खाएगो। कोई सोचता उला एमएलए मौज करे, एमएलए चाहे पहली आला हो चाहे बार आला हो बागदौड़ करनी पड़े। मौज तो जीते बाद में मौज करे तो लोगों के सामने आ जावे। अब बार अब जाऊं घर या तो रात में घर सोऊं नहीं तो जयपुर जाऊं, सवेरे 11:30 जयपुर मीटिंग है, 2:05 मकराना मीटिंग है। तो मैं भजन गाबा की बात चाली, मैं आज 15 दिनों डॉक्टरों को थोड़ा मना करियो है बोलियो कम, मैं भजन कौन गा सकूं, माफी चाहूं। भजन तो अब 5-4 साल अठे यार और निरोग रह गया तो उम्र में आगे अठे ही रहा गाता रहा। तेजा की कड़ी के लिए बार बे क्यों तेजो गाओ, तो तेजा को टाइम हुए एक समय हुए। तो आप लोगों में एक दो चीज कहूं भी ज्ञान की कोई कमी को नहीं। राम नाम की रट लगाए रहो, सच्चाई और अच्छाई के साथ में हर काम करो, जीवन सफल है। जरूरी कोनी पैसा कमाना, जरूरी नहीं है सरपंच एमएलए एमपी बनना, जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ो अफसर बनवो, सबसे बड़ी जरूरी है मिनकपणू राखनो। मिनकपणू सब बड़ो है, मैं एक लाइन भी लिखी के सुन ले मारा सांवरा मन पीछा दीजे पांच, अरे सांच त्याग और दया प्रेम की कदे न लागे आंच, कदे न लागे आंच दाग लगे ना मिनक जून में, सवा थारे जचे तो दे गुजारो कर ले शू पूर्ण में। हे मारा सांवरा सेठ, अगर मिनक जून में आर कोई असला की है
और गरीब है और आलसी है, बिना जीबा को हक होनी अथर वेद में लिखोड़ो है। अगर कोई पांच पीछा कमार परमार्थ में नहीं लगावे, कंजूस है, मूंजी है, बिना जीबा को हक होनी बड़ा लोगों के बड़ो बाटो बांध गड़ा में समंदर में फेंक देनु चाहिए, अथर वेद में क्यों गए। पैसा का सदुपयोग और मिनकपणा को सदुपयोग की जीवन में होना चाहिए। तो आप लोगों ने फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव समाज वैष्णव परिवार ने, भाई ओम जी ने, मैं बच्चों मन काल बुलावा आयो मैं क्यों बेटा तबीयत तो खराब है बन आवा क्यों पांच मिनट ही आ जाए जो अन आठा कोनी बीच में एक एक घंटों लागे जो को खटे जावे पांच मिनट में दो घंटा पांच मिनट हुसी। फिर भी मैं किस्मत आड़ो हूं, मैं आप बात आत्माओं कहूं कि मैं किस्मत आड़ो हूं, राम जी की मेहरबानी है आप लोगों का दर्शन हुआ और आज संगत में मन बोलबा को मौको मिले। राजनीति मंच में तो घना ही बोला और बोल छिया, लेकिन आ मां सरस्वती की मेहरबानी, मारो सांवरा सेठ की मेहरबानी, वैष्णव परिवार की, मारा भजनी भाया की मेहरबानी है कि आप लोगों ने मन आप लोग मन बोलबा को मौको दियो और सब बड़ू तो आपको आशीर्वाद है, बडेरा को आशीर्वाद, मारे छोटा भाया को शुभकामना प्रेम और अपनापन, मारी बहना के शुभकामना बन मारी तरफ प्रेम। आप लोगों की मेहरबानी हुई तो मैं बोलूं, सबसे बड़ा आज भी मारा भाई राम कुमार सुन ले भजनी या ओम जी, आप कितने अच्छे होंगे, अगर श्रोता आपको पसंद नहीं करता तो आप जीरो हो। इसलिए किसी भी सभा में, चाहे राजनीति सभा हो, चाहे भजन मंडली हो, चाहे भजन संध्या हो, श्रोता आप लोग ही सब कुछ हो, आप जनता जनार्दन हो। मैं ई आशा के साथ मैं एक बार फिर कहूं आपने, कोई जीवन सुधारनो है, खुद का मन में ही छोको रहनो है, थाने लोग चोर के वे साहूकार कोई मतलब नहीं, खुद का मन में साहूकार बन जाओ। एक दिन सांवरा सेठ के जमाला बीठे में आपा कनो जवाब मांगे लो, आपा बाने सीनू ठोकर कैसे कहा राम जी मैं सोमू 70-80 काम छोका करया हूं, मैं नरक में कौन जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा, जीवन ओई मिल लो। और मारे पिताजी कहता करंता सो भरंता, कुछ भी करो कैसा भी करो ई जीवन में भुगतनू पड़ो लो। आ मन मैं कई लोगों ने देखा हूं, आप सोचा दूसरी राम को नाम की बड़ी बात बताऊं आपने, हर पल हर क्षण राम राम करता रहो भी, मैं कहीं उसी के था गलत काम कम हुई, क्योंकि राम जी मुंडा में रही ने तो राम जी माता में ही रही, माता में रही तो आत्मा में रही, आत्मा में रही तो राम जी गलत काम कौन कर बदे। मैं एक 85 साल का डोगरा ने बूझ लियो एक दिन, क्यों बाबा जी राम जी को नाम आवे कोनी, क्यों भाई सास का फोड़ा पड़ा है अब तो कोरो खांकार आवे, तो मैं क्यों पहली शुरू कर लेता, अगर कोई भूल गया हो मोड़ो हो गया है आज भी शुरू कर दो। मैंने ये महसूस किया है अगर जीवन में कोई संकट आवे कोई परेशानी आवे तो राम जी ने याद करो। दूसरी ज्ञान की बात करा जरा, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को सम्मान, खास तौर पर मारा युवा बच्चा ने युवा भाइया ने बेटा ज्ञान कहने कहूं कि बेटा था में शक्ति तो है, था में ताकत है, आज का जमाना में आज प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत युवा है, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप के दोग दो। और मारी बहना ने बेटिया ने तो ही कहूं बेटा खूब पढ़ो, मारी बच्चा ने कहूं खूब पढ़ो बेटा खूब आगे बढ़ो, नौकरी करो व्यापार करो, लेकिन मन मारी दो बेटे हैं मन बेजे छोकी लागे, मैं सब ज्यादा लाड प्यार मारी बेटियों करूं। और बाद में कोई भी दुनिया को माँ और बाप बेटी की इज्जत और मान सम्मान के लिए मर जावा, हर बाप ने दुनिया का नर माने बेटी की इज्जत और मान सम्मान प्यारो लागे, तो मारी बेटियां बैठी है, मारी मावा है, मारी बहन है, बेटा जब बाप और माँ आपकी मान सम्मान के लिए मरबो मांड देवे तो थाने में पढ़वाने भेजा, नौकरी के लिए भेजा, पढ़ो आगे बढ़ो नौकरी करो, लेकिन माँ बाप की इज्जत और मान सम्मान को ध्यान रख जो, इम थे ही समझगार मैं ही समझ गो, दुनिया में ऐसी बड़ी कोई दौलत नहीं है। अब आर आपने समाज सुधार की मीटिंग हुई, कोशिश कर जो समाज में कम से कम बुराई हुए, कोशिश कर जो भी की पालना हुए दोरी है तो भी कोशिश करो, धीरे धीरे ठीक हो जाशो। तो मैं आपने फिर आई कहूं
जिंदगी दोबारा को नहीं आवली। इन एक एक मिनट की अगर आज इस संगत में एक गांठ बांध लियो, मारो जीवन को सोच है, जी दिन आदमी के मन में घमंड आएगी कि मैं पैसा वाला हो गयो, मैं एमएलए बनगोर मार्गन पद बड़ो है, मैंने लिखा है राजकुमार आप भजनी हो, घमंड के पीछे नाश इसी तरह चलता है जिस तरह हमारी छाया हमारी साथ है। अगर आपके मन में कुदल हो गई क्योंकि ओ हो दियो तो बस मारो कहीं बोलो मन तेज कूदन पड़ो लो, ओ सोच ले लो डोगरो बेटा बुढ़ो को नहीं हाल,